मोहब्बत दो बेवकूफ़ों के दरम्यान एक माहिदा है जिसको पहले अकल आ जाती है वो बेवफा कहलाता है लोग कहते हैं कि औरत वफा नहीं करती अगर औरत वफा ना करे तो दुनिया में कोई रिश्ता कायम ना हो। खुद को एक हजार थप्पड़ मारना इजहार मोहब्बत करने से बेहतर है जो वफादार होते हैं ना वजह उनकी औकात से बड़ी ही क्यों ना हो मर जाते हैं बेवफाई नहीं करते बाबा जी कहने लगे पुत्र महबूब को देखना मोहब्बत की शर्त नहीं होती कोई बिना देखे उवैस करनी बन जाता है और कोई पास रहकर भी अबू जहल रहता है साथी वही होता है जो साथ देता है जिसके पीछे भागना पड़े वो साथ नहीं होता तो साथ क्या देगा अल्लाह से बड़ा हमारा कोई साथी नहीं मुझे औरत के जज्बाती और बेवकूफ होने से इनकार नहीं लेकिन जिस दिन औरत को अकल आ जाती है उस दिन बाकी सब की अकल ठिकाने लग जाती है जो औरत तुमसे सच्चा प्यार करती है वो तुमसे कभी ना कभी ये दो बातें जरूर पूछेगी पहली बात के ये कि वो तुम्हारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखती हूँ दूसरी बात यह कि मुझसे पहले तुम्हारी ज़िंदगी में कोई था या नहीं